इसी साल 28 जून को एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है ए क्वाइट प्लेस डे वन। बता दूं कि क्वाइट प्लेस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म होने वाली है। फ्रेंचाइजी का जो पहला पार्ट था ए क्वाइट प्लेस वो 2018 में रिलीज हुआ था। फिर 2020 में इसका सीक्वल आता है जिसका नाम था ए क्वाइट प्लेस 2। और अब 2024 में इसका तीसरा पार्ट भी आने वाला है जो सीक्वल फिल्म नहीं होने वाली है। जी हाँ, ये एक प्रीक्वल फिल्म होगी इसी फ्रेंचाइजी की। तो क्यों मैं इस प्रीक्वल फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ और आपको ये फ्रेंचाइजी क्यों देखनी चाहिए, इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं। आप ना जरा इमेजिन करके देखो, शहर में पूरा सन्नाटा है, यानी कि एक बंदा नजर नहीं आ रहा है। क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि शहर में एलियंस ने कब्जा कर लिया है। हल्का सा चू तक की आवाज आई ना भाई, तो एलियन आपकी तभी मेरा मतलब एलियन आपकी बैंड बजा कर रख देगा, आपको जान से मार देगा। पूरी मूवी साइलेंट है, पूरी 90% मूवी साइलेंट है, कोई किसी से बात नहीं कर रहे, चिल्लाने की आवाज आ रही है। भाई ये मूवी का जो एक्सपीरियंस था ना, मेरे को लगता नहीं मैं बता पाऊंगा आपको शब्दों से, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा। अब ऐसी सिचुएशन में भाई, जब एलियंस भाई हल्की से आवाज सुनकर हमला कर दे रहे हैं, ऐसी हालत में एक माँ कैसे अपने बच्चों को बचाती है, खुद को बचाती है, फैमिली को किस तरह प्रोटेक्ट करती है, उसको देखने में जो आपको थ्रिल का एहसास होता है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही जबरदस्त है। अलग ही लेवल का कुछ हवा इस मूवी का एक्सपीरियंस मेरा। तो काफी टाइम तक इग्नोर करने के बाद ना मैंने फाइनली इस मूवी को जब देखा ना भाई साहब, मैंने रिग्रेट किया कि भाई मैं क्यों इग्नोर कर रहा था इसको। पहले पार्ट में जो स्टोरी आपको दिखाई जाती है ना, वो डे 84 से शुरू होती है, यानी कि जो एलियंस धरती पर आए 84 दिन बीत चुके हैं। और अब क्या हाल चाल है का जो फैमिली धरती पर रह रहे हैं उसको देखने में, और किस तरीके उनकी मौतें हो रही है ना उसको देखने में जो आपको मजा आता है ना भाई, डेफिनेटली अब पहला पार्ट देखोगे और तुरंत दूसरा पार्ट भी देखोगे। क्योंकि दूसरे पार्ट की थीम बिल्कुल ऐसी शुरू होती है, दूसरे पार्ट जैसे शुरू होते हैं ना, दिन चल रहा है 474। दोनों पार्ट की थीम सेम है, पर जो थ्रिल का एहसास है ना भाई वो नया है, क्योंकि हर पार्ट में जो सिचुएशन आपको दिखाई जाती है ना वो नहीं है। फर्स्ट पार्ट में जहां आपको एमिली ब्लंट नजर आती है, और मतलब और भी कैरेक्टर्स थे पर मैं फिलहाल एमिली ब्लंट को बस जानता था, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको एमिली ब्लंट के साथ किलियन मर्फी भी नजर आते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, बल्कि मस्ट रिकमेंड करने वाला हूँ इन दोनों ही पार्ट्स को। और देख डालो भाई, क्योंकि तीसरा पार्ट भी आ रहा है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह कि तीसरे पार्ट में ना डे वन की कहानी आपको दिखाई जाएगी कि कैसे और किस तरीके से ये एलियन धरती पर पहली बार आते हैं, और उस समय जो ह्यूमंस थे आप और हम, उनका क्या रिएक्शन होता है, किस तरीके उनकी मौतें होती है, सिचुएशन क्या रहती है। भाई साहब उसको देखने के लिए ना मैं एक्साइटेड हूँ। तो 28 जून को इसी साल ये मूवी आने वाली है। एक ही चीज ना मुझको जरा बुरी लग रही है, क्योंकि थर्ड पार्ट में शायद मेरे को लगता है कि एमिली ब्लंट नजर नहीं आने वाली है। थर्ड पार्ट का ट्रेलर आ चुका है, वहां पे भाई एमिली ब्लंट तो मेरे को नजर नहीं आई, क्योंकि शुरुआत के दो पार्ट में उनका जो काम मैंने देखा ना भाई वो बहुत ही जबरदस्त था। तो थर्ड पार्ट में भाई कैमियो में कुछ करा दोगे तो मजा आ जाएगा। तो बस यही था मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस क्वाइट प्लेस 1 और 2 के लिए, तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके याद से जाना, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए आई बटन चेक करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।